नमस्कार, जय हिंद। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बांका जिला के बेलहर प्रखंड में और ये बेलहर है और हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बेलहर T20 क्रिकेट BCC का जो है हर एक साल यहाँ पे टूर्नामेंट करवाया जाता है और इसको लेकर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम दिखाते हैं कि किस प्रकार से दर्शक का यहाँ पे जमावड़ा लगा हुआ है और हमारे चारों तरफ जो है इस ग्राउंड पे कहीं ना कहीं दर्शक भरा पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। और क्रिकेट का क्रेज इस प्रकार से हमारे बिहार में है, खास करके कि आप देख सकते हैं कि कहाँ पे चढ़ चढ़ के बच्चे लोग क्रिकेट का आनंद ले रहे हैं। और आप देख सकते हैं इधर जो है दीप प्रज्वलन होने वाला है और अभी दो टीम, मैं बता दूं कि अभी दो टीमों के बीच जो है मैच होने वाला है और एक टीम जो कि मुंगेर जिले के तारापुर में है सुरेंद्र ITI माधोदी और दूसरा टीम जो है वो लखीसराय का सूर्यघड़ा टीम है, जिसके बीच का ये पहला मुकाबला होने वाला है आज 2022 के आखिरी दिनों पर और इसका फाइनल जो है वो 2023 के कहीं ना कहीं 26 जनवरी को शायद करवाया जाएगा। कितने जनवरी को? 30 जनवरी को। अच्छा, आप इधर आए, आप BCC के सदस्य हैं जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पम्पम है। अच्छा, ये बताइए कि टूर्नामेंट का ये जो हर साल यहाँ पे होता है टूर्नामेंट? जी, हर साल होता है टूर्नामेंट। साल कोरोना के वजह से, लॉकडाउन के वजह से नहीं हुआ, बंद हो गया, तो नहीं हो पाया। की कोविड को भी ध्यान में रखते हुए इस चीज को जो है स्थगित किया गया था, फिर से दोबारा चालू हो गया है। और अच्छा, ये बताइए कि अभी कौन कौन सी टीम का मैच है? अभी ये सुरेंद्र ITI माधोडी और सूर्यगढ़ा लखीसराय के बीच, लखीसराय के बीच में आज ओपनिंग मैच है। ओपनिंग मैच है जी। क्या प्राइस रखा है? ये विजेता टीम को 50,000 रुपया दिया जाएगा और जो रन उप विजेता होगा उसको 25,000। एंट्री फी कितना रखा गया है? एंट्री फीस 7,500 है। 7,500 है। अब सोचिए कि क्रिकेट का क्या क्रेज है कि 2 साल बंद होने के बाद तीसरे साल जब यहाँ पे पुनः जो है टूर्नामेंट का आगाज करवाया गया और आप देख सकें कि दर्शक छत पे बैठ के, यानी कि क्रिकेट का ये क्रेज बताता है। एक तरफ जहां BCCI लगा हुआ है कि बिहारियों को और हमारे बिहार सरकार का कहीं ना कहीं कि जो कमी के कारण जो है बिहारी कहीं भी अगले सीढ़ी पर क्रिकेट नहीं खेल पाता है, जाकर उनका बढ़ना कहीं ना कहीं, और वहीं दूसरी तरफ कुछ बिहार के हमारे क्रिकेटर जाके प्रूफ भी करते हैं। उदाहरण में आप ईशान किशन को लेते हैं, किस प्रकार से उन्होंने खेल खेला है। जी जी जी। उसके बाद मैं बता दूं कि सौरभ तिवारी जो कि इंडिया के लिए कई मैच खेल चुके हैं और पृथ्वी शॉ, पता है आपको, बिहार का ही है। जी जी, पृथ्वी शॉ भी बिहार का ही लड़का है लेकिन कहां से जाके खेला, मुंबई से। मुकेश कुमार, अभी भारतीय टीम में चयन हुआ था मुकेश कुमार का और गोपालगंज का रहने वाला लड़का था और दूसरी बार उनका IPL में 5.5 करोड़ की बोली में उसे खरीदा गया और कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि बिहारी कहीं भी किसी भी प्रतिभा में कम नहीं है। लेकिन कारण यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है यहाँ के बिहार सरकार की कमी के कारण उन लोगों को बढ़ावा नहीं मिल पाता है और कहीं ना कहीं BCCI भी हम बिहारियों को जो है इसमें करने में कहीं ना कहीं जो है रुकावटें आती है और यही कारण है कि पृथ्वी शॉ जाके मुंबई से खेला, ईशान किशन जाके झारखंड से खेला और मुकेश कुमार जाके बंगाल से खेल के कहीं ना कहीं सिलेक्शन हुआ। बिहार से खेल के सिलेक्शन हो सकता है क्या? अब तो यहाँ की सरकार ही बता सकती है, सरकार बता सकती है, सरकार तो यहाँ की निकम्मी है, शायद ही बताएगी, क्योंकि अगर रहता तो आज जो आप देख सकते हैं कि ये टूर्नामेंट का भीड़ क्यों ना इसीलिए लगा है कि बिहार में सर्वाधिक क्रिकेट का जो है क्रेज जिस प्रकार से आज पिछले 10 साल से सुन रहे हैं कि गया क्या कहता है राजगीर में स्टेडियम बन रहा है। अब कौन सा स्टेडियम जो पिछले 10 साल से बन ही रहा है, अभी तक बन नहीं पाया, भगवान जाने कब बनेगा इसका कोई पता नहीं है। जो इस क्रिकेट के जो अध्यक्ष कह सकते हैं, डायरेक्टर कह सकते हैं, वो हमारे साथ हैं। लक्ष्मण जी, क्या हाल है आपका? जी बढ़िया। अच्छा, एक बात बताइए कि टूर्नामेंट करवाने का उद्देश्य क्या होता है आपका? जी, मेरा उद्देश्य मेन है कि हम बेलहर को आगे तक ले जाना चाहते हैं, बेलहर का नाम हो और हमें इसमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ बेलहर या फिर क्रिकेट को भी आगे ले जाना चाहते हैं। क्रिकेट और बेलहर दोनों को आगे आगे चाहिए। जी निश्चित रूप से, अगर ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा खिलाड़ियों को तो निश्चित रूप से आगे की ओर जाएगा, यहाँ जो भी खेलेंगे उस प्रतिभान खिलाड़ी आगे की ओर जाएंगे तो उसको निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। जी, कुछ पॉलिटिक्स से जुड़े सवाल हो जाएंगे आपसे अगर हम करेंगे तो, कि अगर बिहार को बढ़ावा क्यों नहीं मिल रहा है, क्रिकेटर तो बहुत निकल के आते हैं लेकिन उनको बढ़ावा क्यों नहीं मिल पाता है? देखिए, कुछ पॉलिटिक्स तो है इसमें कि कुछ लोग बोलते हैं कि पैरवी होगा तभी होगा, कुछ पैसा होगा तभी होगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। क्रिकेट का हुनर होना चाहिए, जिसके पास हुनर हो वो निश्चित रूप से आगे जाएंगे और यही होना चाहिए। एक बात बताइए, अगर आपने हुनर की बात बोली, हुनर ईशान किशन में भी है, हुनर पृथ्वी शॉ में भी है, हुनर मुकेश कुमार में भी है, तो कि वो सिलेक्शन हुआ है, तो ये लोग दूसरे राज्य से खेले, अपने राज्य से खेल के जाने का क्यों नहीं, मतलब अपने राज्य में क्यों नहीं? देखिए, बिहार एक ऐसा राज्य है कि यहाँ खिलाड़ी का प्रतिभान का कमी नहीं है, लेकिन बिहार
बहुत पिछड़ता हुआ अभी चल रहा है क्रिकेटरों के मामले में। और आप झारखंड ले लीजिए, वहाँ से आपका धोनी जी आ रहे हैं, जो भी अदर खिलाड़ी हैं वहाँ से रजिस्ट्रेशन करके आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बिहार के खिलाड़ी आगे नहीं बढ़ रहे हैं। इस पर सारे राजनीति को भी सोचना पड़ेगा, खास करके सरकार को भी सोचना चाहिए कि हमारा खिलाड़ी आगे कैसे बढ़े। जी, अब सोचिए कि इनका उद्देश्य यही है कि जो यहाँ के लोकल क्रिकेटरों को बढ़ावा मिले, और वही कारण से ये पिछले 4 साल 5 साल या मुझे याद भी नहीं है कितने साल से लगातार 8 साल लगातार पिछले 8 साल से यहाँ पे टूर्नामेंट करवा रहे हैं ताकि लोकल जो खिलाड़ी हैं उनको बढ़ावा मिले। और यही कारण है कि आज जो ईशान किशन को झारखंड से, मुकेश कुमार को बंगाल से, और पृथ्वी शॉ को मुंबई में जाके ना खेलना पड़े, और यही कारण है कि जो है लोकल क्रिकेटरों को बढ़ावा दिया जा रहा है। जी, लेकिन कुछ पॉलिटिक्स पिछले 10 साल से हम सुनते आ रहे हैं कि राजगीर में स्टेडियम बनेगा, लेकिन आपको पता है कि पिछले 10 साल से हमें नहीं लगता है कि अभी तक कुछ बना, और पिछले अगले 10 साल तक क्या होगा ये भगवान ही जाने। और यही कारण है कि देखिए आप ये किसी स्टेडियम से ये कम नहीं लग रहा है ये ग्राउंड, और इसको बनाया जाता है, इसको शहीद झामा मैदान के नाम से जाना जाता है। अच्छा ये बताइए, पिछले 8 साल से आप करवा रहे हैं, क्या परिवर्तन देख रहे हैं पिछले 8 साल से? काफ़ी परिवर्तन है। फील्ड मोटा मोटी हम लोग 1 महीना से तैयार करने में लगे हुए हैं, मेरे बीसीसी के जितने भी सदस्य हैं हमारी कमेटी के, 1 महीना से लगातार प्रयास में है कि इसको जितना से जितना अच्छा कर सके, चमका सके, और आज आपके सामने है कि ग्राउंड कितना अच्छा है। जी, अब सोचिए बीसीसी जो बेलहर क्रिकेट क्लब है, ये कहीं ना कहीं बिहार का जो क्रिकेट एसोसिएशन बोर्ड है उससे कहीं लाख गुना बेहतर काम कर रही है, ये क्षेत्र के खिलाड़ियों को बढ़ावा दे जा रही है। वहीं दूसरी तरफ बिहार जो है क्रिकेटरों को दूसरे राज्य में जाने को मजबूर हो रहा है, पलायन होने को मजबूर हो रहा है, दूसरे रास्ते खेलेंगे तभी उनका सिलेक्शन होगा, अन्यथा ऐसे ही जो है क्रिकेटर यहाँ पे अपना करियर खराब कर लेते हैं और उनको मौका तक नहीं मिलता। और वही दूसरी तरफ देखिए बीसीसी जो है क्षेत्र के क्रिकेटरों को बढ़ावा देने की कोशिश में लगाया गया, और पिछला आप देख सकते हैं हमारे पीछे जितने भी कितना बढ़िया से इसको सजाया गया, और उद्घाटन का मैच है, और आप देख सकते हैं कि विनर प्राइज जो है 51,000 रखा गया, और रनर प्राइज जो है वो 25,000 रखा गया। एंट्री फीस कितना रखा है? एंट्री फीस 7,000 था। 7,000 जी, अब 7,000 एंट्री फी, और उसके अंतर्गत आप देख सकते हैं कि आपको अंदाजा लग गया होगा कि कितना खर्चा करवाया जाता है इस पर, कितने का खर्चा आ जाता है पिछले 8 साल से? कम से कम 4 लाख रुपया का समथिंग खर्चा, 4 लाख रुपया का खर्चा जी। अब आप सोचिए कि एक क्षेत्र का क्रिकेट करवाने में ये लोग 4 लाख रुपया लगा सकते हैं, तो क्या दूसरे तरफ बिहार जो है अपने क्रिकेटों को बढ़ावा देने के लिए एक स्टेडियम नहीं बनवा सकते हैं? पिछले 10 साल से स्टेडियम बन रहा है, उससे बेहतर तो यहाँ पे उतारा जाए भारतीय खिलाड़ियों को, तो शायद यहाँ पे बेहतर करके देंगे। और ये पिछले 8 साल से आप करवा रहे हैं, 2 साल तो कोविड में खैर हुआ नहीं, आगे कब तक प्लानिंग है करवाने का? जी, जब तक देखिए बेलहर में हम रहेंगे, मेरा एक छोटा सा बिजनेस है ऑनलाइन का, हम यहीं रहते हैं, यहीं काम करते हैं, और मेरा उद्देश्य है वही बताएं कि हम बेलहर क्रिकेटरों को आगे ले जाना चाहते हैं, बेलहर का नाम हो। जब तक हम रहेंगे तब तक इस टूर्नामेंट को हम करता रहेंगे, हमारे पीछे सपोर्ट है बेलहर के पूर्व कप्तान संतोष कुमार जी, आप उनसे भी 2 मिनट मुखातिब हो, उनको अगर बुला दिया जाए तो हम 2 शब्द तो उनसे जरूर बात करेंगे। हमारे साथ पूर्व कप्तान जी मौजूद हैं, और इनके जैसे कि लक्ष्मण जी ने बताया कि आपके सहयोग से इस टूर्नामेंट को करवाया जा रहा है। हाँ, ये तो अच्छी बात है कि 7 साल लगातार हम लोग यहाँ पर मेहनत किए थे, और 2 साल कोरोना के बाद ये 8वां सीजन है हम लोग का, 2 साल ब्रेक हो गया, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सपोर्ट क्या है ना कि ये ग्राउंड इस इलाके का सबसे खूबसूरत ग्राउंड है, और उसी ग्राउंड को बनाने में जो लड़का यहाँ मदद किया, और रात के 1 बजे तक भी आप देखे होंगे कि टेनिस के खेल में कभी पिच को नहीं बनाया जाता, उसी को गोबर से लीप दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर प्रतिनिधियों, जनप्रतिनिधियों के सहयोग से मिट्टी को निकाला गया और फिर मिट्टी डाला गया, और निश्चित रूप से मेरे हिसाब से, मैं जो अपना पूर्व कैप्टन रहा हूँ, कि यहाँ पर 200 प्लस का जो स्कोर होगा वो काफी सराहनीय होगा, क्योंकि यहाँ 200 प्लस का हाईएस्ट स्कोर रहा है, और ये बैट्समैन का पिच मेरे हिसाब से काफी मददगार होगा, मददगार होता है मतलब उछाल भरी बल्लेबाजी के लिए। जी जी जी। और काफी दर्शक यहाँ पर, ये तो अभी शुरुआत है, जैसे जैसे मैच आगे की ओर बढ़ेगा लोकल सपोर्ट यहाँ पर काफी देखने को मिलेगा। शुरुआती मैच है, फाइनल मैच कब है? फाइनल आपको 30 जनवरी को रखा गया है, क्योंकि आपको 26 जनवरी को हम लोग रखते थे, लेकिन 26 जनवरी को सरस्वती पूजा इन कर जाने से कि एक ही दिन 26 जनवरी और सरस्वती पूजा, तो उसको हम लोग 30 तारीख को कर दिए, और लोकल सपोर्ट के बल पर हम लोग इस टूर्नामेंट का आयोजन कर रहे हैं। एक महत्वपूर्ण सवाल, उद्देश्य क्या है मतलब इस प्रकार से टूर्नामेंट? उद्देश्य ये है कि खेल जो है धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा था यहाँ पर, और ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र था, लेकिन अब नक्सल प्रभावित नहीं रहा, और इस खेल के माध्यम से हम लोगों को यह दिखाना चाहते हैं कि जब
बच्चे को घर से डांटा जाता है कि भाई आप क्यों खेल रहे हो, लेकिन आज का यह जो खेल है इसमें भी बहुत दूर से लोग आईपीएल की तर्ज पर आ रहे हैं। कोई 5,000 ले रहा है, कोई 3,000 रुपया ले रहा है, उस आधार पर भी यहाँ पर खिलाड़ी तैयार हो रहे हैं। और हम लोग का एक ही मकसद है कि कोई एक खिलाड़ी रणजी ट्रॉफी में भी पहुंचे, इसलिए हम लोग इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में प्रयास रख रहे हैं कि एक भी खिलाड़ी अगर यहाँ का रणजी ट्रॉफी में पहुंच गया तो हम लोग का आयोजन सफल हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।